किसी साए में जगह चाह बहुत बार है, ना कभी कहीं मेरा दिल लगा कैसा समझदार है। मैं ना पहुंचूं क्यों वहां पे, जाना चाहूं मैं जहां मैं कहां खो गया, वैसा क्या हो गया। ओ मेहरबान क्या मिला, क्यों जुदा होके बता। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा होके बता। ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा होके बता। जो शोर का हिस्सा हुई वो आवाज हूँ, लोगों में हूँ पर तन्हा हूँ मैं, हाँ तन्हा हूँ मैं। दुनिया मुझे मुझसे जुदा ही करती रहे, बोलूँ मगर ना बातें करूँ, ये क्या हूँ सब है लेकिन मैं नहीं हूँ। वो जो थोड़ा था सही वो हवा हो गया, क्यों खफा हो गया। ओ मेहरबान क्या मिला, क्यों जुदा होके बता। ओ मेहरबान के बता। गाइस वेलकम माय चैनल कॉस्टिक पार्टी, मेरा नाम है सैंडी। गाइस आज हम गाना करने वाले हैं, इट्स माय सेकंड सॉन्ग फ्रॉम द मूवी लव आजकल। गाने का नाम है मेहरमा, अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग। काफी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने की भी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सॉन्ग ओनली ऑन कॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट, दोस्तों सर्च कीजिए मेरे चैनल कॉस्टिक पहाड़ी, उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते इस बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, जब ये बेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, तब आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों चलते हैं इसके कॉर्ड सेक्शन में। कॉर्ड सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी, इसमें चार कॉर्ड्स हैं और मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े, बहुत इजी कॉर्ड्स हैं। सबसे पहला कॉर्ड इज जी कॉर्ड, ठीक है, यू कैन सी द डायग्राम एज वेल ऑन द स्क्रीन। सेकेंड कॉर्ड इज सी एड 9 कॉर्ड, ओके। थर्ड कॉर्ड इज ई माइनस 7 एंड द लास्ट कॉर्ड इज ऑफ कोर्स अ डी कॉर्ड बट सस्पेंडेड कॉर्ड, ठीक है, वो आप इस तरीके से बजाएंगे। राइट दोस्तों, ये चारों कॉर्ड्स हैं और सबसे खास बात इन कॉर्ड्स की क्या है, आपको ज्यादा शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसपास ही आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल क्लोज क्लोज है, ठीक है। तो ये शायद मैंने आपको पहले भी ये सीक्वेंस कई बार बताया है, ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस है और काफी सारे गाने इस सीक्वेंस में बच जाते हैं। राइट दोस्तों, तो आपको ये गाना सीखने के लिए ये सारे कॉर्ड्स आनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं इसके स्ट्रमिंग सेक्शन में, जो इस तरीके से है। राइट, थोड़ा मुश्किल है बट मैं इसको पार्ट में तोड़ूंगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। सबसे पहला पार्ट जो उसका है वो इस तरीके से बजेगा, डाउन अप नोट डाउन। राइट, स्टार्टिंग से देखो, डाउन अप म्यूट डाउन, आप उसे चक भी बोल सकते हो म्यूट को, ठीक है, डाउन अप चक डाउन, डाउन अप चक डाउन, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो इसी के बाद है, वो रहेगा आपका डाउन चक डाउन, बस यही करना है, डाउन चक डाउन, ये सेकंड पार्ट है। अब आप पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को कंबाइन कर दो, ठीक है, डाउन
अप चक डाउन डाउन चक डाउन डाउन अप चक डाउन डाउन चक डाउन और थोड़ा इसको स्पीड में बजाओ हल्का सा स्पीड में दोस्तों ये रहेगा इसका स्ट्रमिंग पार्ट। ओके दोस्तों चलते इसके इंट्रो पार्ट पे जो इस तरीके से साउंड करता है ठीक है ये बहुत इजी है दोस्तों ठीक है आप स्क्रीन पे डायग्राम देखिए उसके हिसाब से आप बजाएंगे ठीक है। मैंने दो स्ट्रिंग्स बनाई है ई और बी क्योंकि ये ई और बी में ही खत्म हो जाएगा ठीक है आपका। तो हम ई स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे सबसे लोएस्ट जो स्ट्रिंग है ई स्ट्रिंग से ठीक है। तो आपको पकड़ना है सबसे पहले सेवंथ फ्रेट पे, ये आपका सेवंथ फ्रेट है ठीक है। मैं आगे आपको उधर दिखा नहीं रहा हूं, यहां पे आपको समझ लीजिए कि आपका ये सेवंथ फ्रेट है ठीक है। अपने आप गिटार में देख सकते हैं दिस इज द सेवंथ फ्रेट ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले डायग्राम को समझना जरूरी है इससे पहले कि आप पहले बजाओ ठीक है। डायग्राम में सबसे पहले आप देखिए मैंने एक लंबा सा लिखा है 7H10P7, ये पूरा एक साथ बजेगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, गिटार नोटेशन में जो होता है ना ये सबसे डरावने होते हैं लेकिन जब आप इन्हें देखोगे ना आप बोलोगे अरे वाह यार ये तो बहुत जल्दी बज गए है ना, लग तो नहीं रहा था कि हो जाएगा भाई हमसे है ना, लेकिन इजी रहता है ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी देखो आपका डाउट दो मिनट में क्लियर करूँगा दो मिनट में ठीक है। तो सेवन में आपने पकड़ लिया, कुछ नहीं करना है 7H10, अभी आप P7 जो पीछे लिखा है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी आप 7H10 पे हम लोग फोकस करेंगे। देखो ये 7 पोजिशन है, 10 कहाँ पे होगी, ये 8 है, ये क्या है 9, तो 10 यहाँ पे होगा ठीक है। ये ई स्ट्रिंग का 10th फ्रेट है ठीक है। तो अभी क्या करना है 7H10, 7H10 का मतलब क्या होता है, एच मतलब हैमर होता है ठीक है, एच मतलब हैमर। तो 7 प्ले करना है और 10th पोजीशन पे आपको हथौड़ा मारना है, हैमरिंग करनी है, ऐसे हथौड़ा मारना है, इस उंगली से मारो चाहे छोटी वाले से मारो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो ठीक है, ऐसे हथौड़ा मारना है लेकिन 7 प्ले करने के बाद ठीक है। वो क्या करेंगे, पहले 7 का साउंड आएगा उसके बाद ये उसकी साउंड को सुपरसीड करेगा ठीक है। मतलब 7 की साउंड जो आ रही है ये वाली उंगली जब आप इसे दबाओगे तो 7 की साउंड को बंद करके 10th फ्रेट की साउंड को वो उभार के लेके आएगा ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखो अभी मैं इसे प्ले करूंगा, अभी देखो ये 7 है, अभी जैसे मैं इसको मारूंगा ना तो यहाँ का साउंड आएगा देखना है, आया, ये हैमरिंग है, दिस इज कॉल्ड हैमरिंग। तो 7 से आपने 10 पे हैमर कर दिया ठीक है, पहले ये 7 का बजा फिर आपने ये बजा दिया ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेप जो था आपका ये क्या बना 7H10 एक साथ ओके 7H10 समझ में आ गया। अब P7 क्या है, P7 मतलब उल्टा हो जाएगा, देखो 7H10 अभी ये स्टेप कंप्लीट हो गया जब यहां पे लगा हुआ है, अब इसको आपको पुल करना है, पुल मतलब ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है ठीक है। देखो 7H10 अब खींचना है ऐसे, जब आप उसे खींचोगे ना ऐसे, जब आप खींचोगे तो इस स्ट्रिंग को थोड़ा पुल करना है ताकि एक साउंड निकले। देखो मैं कुछ बजा नहीं रहा हूं ठीक है, हाथ फ्री है ये देखो, ऐसे इसे पुल करना है बस, केवल इस वाली फिंगर को पुल करना है, मेरा हाथ फ्री है मैं कुछ नहीं बजा रहा हूं देखो ठीक है, एक बार बजेगा बस केवल ऐसे देखो, उसके बाद पुल करना है ठीक है, एक बार बजेगा और हैमर करना है, केवल एक ही बार मैं बजाऊंगा यहाँ पे, बस ध्यान देने वाली बात है एक ही बार बजाना है। मैं एक बार लोअर स्ट्रिंग को जो ई स्ट्रिंग है उसको प्ले करूंगा, फिर मैंने ऐसे पुल कर दिया ठीक है, इसको पुल करना है, देखो मैं कुछ नहीं बजा रहा हूं ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया आपका 7H10P7, 10 पे जब था आपने पुल किया वापस वो 7 बन गया, इसलिए उसको हम 10P7 बोलेंगे, 10 पुल ऑफ टू 7 ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा स्टेप एक साथ है, इतना ही था बस, केवल एक बार बजाना और पूरा स्टेप खत्म हो गया। देखो ऐसे अब ये आपको दो बार रिपीट करना है ठीक है, क्योंकि मैंने डायग्राम में दो बार लिखा है। उसके बाद अब आप जाएंगे फिफ्थ फ्रेट पे, फिफ्थ फ्रेट कहां पे होगा, ये 7 था ना, अब एक छोड़ के ये पीछे फिफ्थ हो गया, यहां पर भी सेम नाटक करना है, सेम कहानी करनी है ठीक है। अभी वहां पे 7H10 था, अब यहां पे 5 हो गया लेकिन अब इसकी जगह 7 ले लेगा ठीक है, यहां पर भी वही नाटक करना है सेम ठीक है। 5 हैमर टू 7, 5 वहां है 7 यहां है, हैमर करना है, पुल ऑफ करना है, वापस 5 पे जाएगा तो वो बनेगा 5H7P5 ठीक है, 5 हैमर टू 7 और छोड़ के पुल टू 5 ठीक है, सेम कहानी है। तो इस तरीके से बनेगा देखो,
ठीक है, ऐसे 5H7P5। दोबारा देखो, उसके बाद लास्ट जो इसमें मसाला जोड़ेगा वो है आपका बी स्ट्रिंग पे 5 स्लाइड 8। देखो इसी के ऊपर 5 है ये बी स्ट्रिंग, बस उसको दबा दो और जैसे ही वो दबेगा स्लाइड कर दो उसको 8 पोजीशन तक, यहां तक, ठीक है, ऐसे। तो ये पूरा किस तरीके से बनेगा देखो, इस तरीके से बना, फिर ठीक है दोस्तों, था ना इजी। ये था इसका टैप पार्ट। चाहिए किसी साए में जगह, चाह बहुत बार है ना कभी कहीं मेरा दिल लगा, ऐसा समझदार है मैं ना पहुंचूं क्यों वहां पे, जाना चाहूं मैं जहां मैं कहां खो गया, ऐसा क्या हो गया, ओ मेहरमा क्या मिला क्यों जुदा होके बता, ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता, ना खबर अपनी रही ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता, ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता। जो शोर का हिस्सा हुई वो आवाज हूँ, लोगों में हूँ पर तन्हा हूँ मैं, हाँ तन्हा हूँ मैं, दुनिया मुझे मुझसे जुदा ही करती रहे, बोलूँ मगर ना बातें करूँ, ये क्या हूँ सब है लेकिन मैं नहीं हूँ, वो जो थोड़ा था सही वो हवा हो गया, क्यों खफा हो गया, ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता, ओ मेहरमा बता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई गेस आपको ये लेसन हमेशा की तरह पसंद आएगा, आपको मेरे लेसन आई होप बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं काफी सारा इसमें जो मटेरियल इंक्लूड करता हूँ, चाहे वो गिटार पार्ट हो, चाहे वो टैप पार्ट हो, चाहे वो पियानो वाला पार्ट हो, मैं म्यूज़िक को हर तरीके से कंपोज करके आपको फुल स्पीड में सिखाने की कोशिश करता हूँ, और फैक्ट्स और फिगर्स की मदद से और ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि उसमें इंटरनल जो पार्ट है म्यूज़िक का, जो फ्लेवर है, मेलोडी है, वो किस तरीके से क्रिएट हुई वो आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी आपकी, कोई भी क्वेश्चन गिटार से रिलेटेड, वो आप मुझे जरूरी इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर पूछिए। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।